वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। हे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, 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 मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आया है आज का दिन ये मुबारक, चांद से रोशन हो रमज़ान तुम्हारा, इबादत से भरा हो रोज़ा तुम्हारा, हर नमाज और हर दुआ कबूल हो तुम्हारी, यही है अल्लाह से दुआ हमारी। फूल जिस तरह भवरों से मिलते हैं, आओ इस ईद पे हम भी मिलते हैं। अपनी इसी सोच को, चाहत को, प्यार भरी रफाकत को, सच्ची लगन को रंग देते हुए, दुनिया के लिए अपने संगीत को मोहब्बत की मिसाल देते हुए, रवानी के लिए जैसे दरिया समंदर में खुद को पामल कर देता है, फूल जैसे गुलशन में वफा निभाने हर बार निकलते हैं, वैसे ही इस ईद के मौके पे सोल सिम्फनी आज आप सब के लिए बेहतरीन सूफी नगमों का, गज़लों का, गानों का एक नायाब नजराना लेकर आए हैं। सोल सिम्फनी लोगों को मौका देता है जो संगीत में रुचि रखते हैं, हर उस शख्स को मौका देता है जो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक ऐसा पायदान खड़ा कर देते हैं जहां वो अपने गुणों का प्रदर्शन कर सके। सोल सिम्फनी ने आज तक आपके लिए 9 बेहतरीन संगीत के नगमों का नजराना पेश किया है। ये सारे 9 संगीत के कार्यक्रम सोल सिम्फनी ने बेहद ही बेहतरीन तरीके से और अलग अंदाज से आप सभी के लिए लेके आए हैं। 22 नवंबर 2020 को पहला कार्यक्रम किया गया था, वक्त था दिवाली का, और आज 14 मई 2021 को 10वां कार्यक्रम कर रहे हैं, वक्त है ईद का, मौका है ईद का। शुरुआत दिवाली से हुई थी, जैसे मैंने कहा सोल सिम्फनी की शुरुआत दिवाली से हुई थी, और आज हम ईद मना रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ये सारे 9 संगीत के कार्यक्रम अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, और वहाँ इन सभी 9 कार्यक्रमों की लिंक दी गई है। प्लीज़ उन्हें देखिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। विविधता में एकता, यही खूबी है सोल सिम्फनी की, जो हर त्यौहार चाहे वो ईद हो या दिवाली बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाता है। सोल सिम्फनी की परंपरा है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ईद के मौके पर आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन गज़लों का, सूफी नगमों का नया तराना। इस ईद के मौके पर खुशियां बांटने सोल सिम्फनी आज आपके साथ आए हैं, एक नई संगीत संध्या लेकर, एक नई संगीत रजनी लेकर, जिसे हमने कहा है ईद मुबारक। तो आइए इस बेहतरीन संगीत संध्या का लुत्फ उठाएं। आईनाए अजमेर कुछ ऐसा अक्स दिखाता है
जर्रा जर्रा आशिके ख्वाजा नजर आता है, जर्रा जर्रा आशिके ख्वाजा नजर आता है। तेरे दर पे हर बार झोली खाली लेके आते हैं, तू सुनता फरियाद सबकी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। या गरीब नवाज ख्वाजा तुम सबकी दुआ कबूल करना, जो दूर से दुआ में अपनी फरियाद के लिए हाथ उठाता है। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दे के फकीरों में गिने जाते हैं। जब ख्वाजा ने इनायत की नज़र डाली है, जब से ख्वाजा ने इनायत की नज़र डाली है, कांच के टुकड़े थे अब हीरों में गिने जाते हैं, कांच के टुकड़े थे अब हीरों में गिने जाते हैं। ऐसा ही एक हीरा सोल सिम्फनी के पास भी है, जो आज आपके लिए एक बेहतरीन सूफी नगमा पेश करने वाले हैं, और उस हीरे का नाम है सुचित्रा जी। मैं सुचित्रा जी से दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और ये सूफी नगमा ख्वाजा मेरे ख्वाजा पेश करें। Thank you.
तुझे याद करने से फुर्सत कहाँ मिलेगी, तुझे याद करने से फुर्सत कहाँ मिलेगी, तेरी जुल्फों के अलावा छाव कहाँ मिलेगी। यूँ तो हज़ार मैखाने मिलेंगे इस जहाँ में, यूँ तो हज़ारों मैखाने मिलेंगे इस जहाँ में, पर तेरे होठों से बेहतर जाम कहाँ मिलेगा, पर तेरे होठों से बेहतर जाम कहाँ मिलेगा। जी, होठों से छू लो तुम, ये नगमा पेश करने आ रही हैं नेहा जी। मेरा गीत अमर कर दो,
यारी दोस्ती। यारी दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, यारी दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। असल में सच्ची यारी तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है, जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। ऐसी ही बेमिसाल यारी पर फरमाया गया एक बहुत ही बेहतरीन नगमा लेकर आ रहे हैं प्रदीप जी। गाने के बोल हैं, यारी है ईमान मेरा, यार मेरा जिंदगी। यारी है ईमान
मेरा यार मेरी जिंदगी। ये बता दे तू तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए कुर्बान कुर्बान तेरा ममदूद नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही महफिल में जवानी छा गई, छा गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा याद मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा याद मेरी जिंदगी। कहानियाँ हजारों हैं और किस्से सभी, कहानियाँ हजारों हैं और किस्से सभी। लाजमी यही है कि हम गुनगुनाते चले, लाजमी यही है कि हम गुनगुनाते चले। आएंगी परेशानियाँ जिंदगी में बहुत सारी, आएंगी जिंदगी में परेशानियाँ बहुत सारी। लाजमी यही है कि हम मुस्कुराते चले, लाजमी यही है कि हम मुस्कुराते चले। जिंदगी में इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए अगला नगमा पेश करने आ रही हैं अलका जी, और इस बेहतरीन नगमे के बोल हैं, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है।
खुदा ने लिखा ही नहीं तुझे मेरी किस्मत में शायद, खुदा ने लिखा ही नहीं तुझे मेरी किस्मत में शायद, वरना खोया तो बहुत कुछ था तुझे पाने के लिए। जाने क्यों मोहब्बत में लोग इतने अफसाने बन जाते हैं, जाने क्यों मोहब्बत में इतने अफसाने बन जाते हैं, जाने क्यों मोहब्बत में किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने हो जाते हैं, किसी को खोकर भी लोग दीवाने हो जाते हैं। अब मैं लीना जी को गुजारिश करूंगी कि वो आए और अगला नगमा पेश करें जिसके बोल हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत में। आशिकी सुनाती
इश्क की अच्छाई ने मार डाला, किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, किसी को इश्क की गहराई ने मार डाला। करके इश्क कौन बच सका, करके इश्क कौन बच सका, जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला, जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला। जी अब अपने कातिलाना अंदाज से हमें मार डालने आ रही है हमारी अगली अदाकारा, जिनका नाम है सुचित्रा जी, और उनके नगमे के बोल है, मार डाला ओ मार डाला, किसने ये हम पे हरा रंग डाला। ये किसका है साया, कोई दिल में दस्तक यहाँ कौन आया। Stop.
थैंक यू। नजर से दूर है फिर भी फिजा में शामिल है, नजर से दूर है फिर भी फिजा में शामिल है, तेरे प्यार की खुशबू हवा में शामिल है। हम चाह कर भी तेरे पास आ नहीं सकते, हम चाह कर भी तेरे पास आ नहीं सकते, दूर रहना भी मेरी वफा में शामिल है, दूर रहना भी मेरी वफा में शामिल है। महक उठी है फिजा, महक उठी है फिजा, फैरान की खुशबू से चमन दिलों का खिलाने ईद आई है, चमन दिलों का खिलाने ईद आई है। आज इस ईद के मौके पर मैं हमारी अगली अदाकारा निसरीन जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपना बेहतरीन नगमा फजा भी है रवा रवा ये पेश करें। Thank you.
कैसे समझाऊं मैं अपने नादा दिल को, ये गलती से फिर हिमाकत कर बैठा। बहुत रोका मैंने इसे, ये फिर से मोहब्बत कर बैठा, ये फिर से मोहब्बत कर बैठा। इसी नादा दिल का फ़लसफ़ा लिए हमारी अगली अदाकारा आपके सामने एक बेहतरीन नगमा लेके आ रही है। नगमे के बोल हैं ए दिले नादा, और पेश करने आ रही हैं डॉक्टर अंजलि।
एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलते हैं, एक ख्वाब तुम देखो, एक ख्वाब हम देखते हैं, आओ मिलकर ख्वाबों को हकीकत में देखते हैं, आओ मिलकर मीलों चलते हैं, आओ मिलकर मीलों चलते हैं। चलिए चलते चलते अब इस संगीत संध्या में हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां मैं हमारी अगली अदाकारा सुजाता जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और वो पुराना बेहतरीन नगमा पेश करें जिसके बोल हैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। Bye.
एक कतरा ही सही आग से पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आग से पानी तो रहे, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। बस यही सोच के तेरे यादों को दे दी पनाह, बस यही सोच के तेरे यादों को दे दी पनाह। इस नए जिंदगी में कोई चीज़ पुरानी तो रहे, इस नए जिंदगी में कोई चीज़ पुरानी तो रहे। जी हाँ, मोहब्बत में यादों का सिलसिला बहुत मायने रखता है। इसीलिए अगला नगमा पेश करने मैं गुजारिश करूंगी आशीष जी को कि वो आए और उनका नगमा पेश करें। नगमे के बोल हैं, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। भीगता
मौसम धुआ धुआ होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे धुआ होगा, हथेलियों की ही ना याद कुछ दिला मोहब्बत की चाह सबको है, मोहब्बत की चाह सबको है, बस कोई करने से डरता है तो कोई खोने से डरता है। प्यार किया तो डरना क्या, अजी प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करने में कोई एतराज़ तो नहीं तो खोने में क्यों है। हर एक के जीवन में मोहब्बत का एहसास अलग सा क्यों है, हर एक के जीवन में मोहब्बत का एहसास अलग सा क्यों है। सच में प्यार में बड़ी ताकत होती है और इसी प्यार के भरोसे मैं हमारी अगली अदाकारा स्वर्दा जी से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपना अगला नगमा पेश करें। नगमे के बोल हैं, प्यार किया तो डरना क्या। Hey!
मैंने खुदा से पूछा वो क्यों छोड़ गया मुझे। मैंने खुदा से पूछा वो क्यों छोड़ गया मुझे, उसकी क्या मजबूरी थी। खुदा ने कहा न कसूर तेरा था न गलती उसकी थी। ये कहानी ही मैंने अधूरी लिखी थी, ये कहानी ही मैंने अधूरी लिखी थी। ऐसा ही एक दर्द भरा नगमा लेकर हमारी अगली अदाकारा पल्लवी जी आ रही है एक बेहतरीन गज़ल लेकर। गज़ल के बोल हैं मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। Oh,
जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। बस उस खुदा पे भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। इस मुश्किल वक्त में हमें उम्मीद की किरण देने, जिंदगी को हंसी खुशी बिताने का पैगाम लिए रिद्धिमा जी लेके आ रही हैं एक बेहतरीन नगमा, जिसके बोल हैं, शायराना सी है जिंदगी की फजा, जिंदगी का मजा लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फजा, जिंदगी का मजा लीजिए। Oh,
तेरा आप चाहे नजर आओ मैं जिस तरह आप चाहे नजर आओ मैं मुझको है रंग में आजमा लीजिए शायराना सी है जिंदगी की फजा आप भी जिंदगी का मजा लीजिए शायराना सी है जिंदगी की फजा आप भी जिंदगी का मजा लीजिए मैं गजल बन गई आपके सामने मैं गजल बन गई आपके सामने शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए शायराना सी है जिंदगी की फजा आप भी जिंदगी का मजा लीजिए शायराना सी है अगला नगमा एक बहुत ही बेहतरीन और अलग किस्म का नगमा है जिसके लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी और कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। आशिक कह रहा है तेरा हुस्न एक जवाब तेरा हुस्न एक जवाब मेरा इश्क एक सवाल ही सही तेरे मिलने की खुशी नहीं तेरे मिलने की खुशी नहीं तुझसे दूरी का मलाल ही सही तू न जाने हाल इस दिल का कोई बात नहीं तू न जाने हाल इस दिल का कोई बात नहीं तू नहीं जिंदगी में तो तेरा ख्याल ही सही तू नहीं जिंदगी में तो तेरा ख्याल ही सही। आशिक फरमा रहा है दुनिया में तेरा हुस्न मेरी जा सलामत रहे दुनिया में तेरा हुस्न मेरी जा सलामत रहे सदियों तक जमाने पर तेरी कयामत रहे सदियों तक जमाने पर तेरी कयामत रहे। ये नगमा सच में हमें एक ऐसी बात बताता है एक ऐसी कहानी बताता है जहाँ इस आशिक की माशुका जो मिश्र में रहती है जो उसके दिल के करीब है मगर असल में बहुत दूर है शहंशाह भी उसके हुस्न के दीवाने हैं उसके कातिलाना अंदाज और खूबसूरती को बयां करता हुआ ये नगमा उनकी नज़दीकियों को बयां करता हुआ ये नगमा बहुत ही बेहतरीन तरीके से फरमाया गया है। गाने के बोल हैं बिनते दिल मिस्रिया जी और इस बेहतरीन नगमे को पेश करने के लिए मैं हमारे अगले फनकार शौर्य जी से गुजारिश करूंगी कि वो आए और बिनते दिल ये गाना फरमाए। Oh,
ये कैसी उम्मीद सी आती है शाम के बाद, ये कैसी उम्मीद सी आती है शाम के बाद, तेरा नाम भी आता है मेरे नाम के बाद। इसी को सलामे इश्क कहते हैं, इसी को सलामे इश्क कहते हैं। तुमने नजरें झुका ली मेरे सलाम के बाद, तुमने नजरें झुका ली मेरे सलाम के बाद। इश्क वो रंग है जो हर आशिक को अपने रंग में रंग देता है। इसी रंग को बताने, इसी रंग को समझाने, हमारा अगला नगमा पेश करने, सलामे इश्क मेरी जान। मैं निकिता जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और ये बेहतरीन नगमा पेश करें।
की बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा होठों से आ जाएगी। तू कैसी हाल हाँ बसे मसीहा दे दुआए तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआए तुझे उम्र भर के लिए। लकीरों में मेरी क्या है लिखा लकीरों में मेरी, अब तू ये राज खोल दे। है और कितना दर्द सहना जीने में मौला मेरे, अब तू ही ये बोल दे। तूने लिख दी किस्मत मेरी मुझे है मंजूर, तूने लिख दी किस्मत मेरी मुझे है मंजूर। तू ही खुदा मेरा हर तरफ तेरा ही नूर है, तू ही मेरा मौला तू ही मेरा हुजूर है, तू ही मेरा मौला तू ही मेरा हुजूर है। ये एक बेहतरीन नगमा एक बेहतरीन फिल्म से मौला मेरे मौला लेके आ रहे हैं अजय जी। अगली पेशकश अजय जी की तरफ से। के तू आएगा
ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। मिट्टी मेरी थी तू ही, वही मेरी जय और छुरी, वही राजे मेरे वही, वही सेवैया वही खीर, तुझसे ही रुठे रे तुझसे मनाना, तेरा मेरा नाता कोई दूजा न जाना, इजा तेरा रंग था मैं तो, सबको ईद मुबारक। धन्यवाद। वक्त की कैद में जिंदगी है, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद है, इनको खोकर मेरी जान कहाँ जाइएगा, उम्र भर न तरसते रहो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो। क्या खूब लिखा गया है यह अल्फाज, सच में हमें उस घड़ी को बयां करते हैं जहां अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये किसी अपने से पूछो जिसने उस अपने को खोया है इस COVID-19 के दौरान। जो कल हमारे साथ थे वो आज हमारे बीच नहीं है, बस उनकी यादें ही आज हमारे साथ हैं। इतनी ही गुजारिश है, इस COVID-19 के मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं तो सब की सलामती की दुआ करते हैं और COVID-19 की नियमावली का सख्त से पालन करते हैं। 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क के बिना बाहर न जाएं, एक दूसरे से नज़दीकियां न रखें, हाथों को बार बार धोएं। अभी एक दूसरे के साथ दूरी रखेंगे तो जल्द ही हम नज़दीक आ सकते हैं और नए बदलाव की जिद रखेंगे। ऐसा करने से हम फिर से सब कुछ पहले जैसा पा सकते हैं, हम पहले जैसे ये सारे शोज़ लाइव स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, COVID-19 की नियमावली को सख्त से सख्त पालन कीजिए, विचारों में सकारात्मकता रखिए, यही दुआ है इस ईद के मौके पर खुदा से कि उसकी इनायत हम पे सदा रहे। मैं सोल सिम्फनी की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया एक ऐसी नायाब गज़ल के बारे में आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी कवि फैयाज़ हाशमी द्वारा लिखी और पाकिस्तान के प्रसिद्ध रचयिता सोहेल राणा द्वारा रचित, प्राचीन गायक हबीब अली मोहम्मद द्वारा लोकप्रिय बनाई गई, जिन्होंने एक पार्श्व गायक के रूप में पाकिस्तानी फिल्म बिजली और बादल में इसे गाया था, मगर इनके पश्चात यह गज़ल जिनके नाम से जानी जाती है, जिन्हें हम मलिकाए गज़ल के नाम से जानते हैं, जी मैं बात कर रही हूँ फरीदा खानू, जिन्हें हम मलिकाए गज़ल कहते हैं, और उनकी ये बेहतरीन गज़ल है आज जाने की जिद न करो। इन्होंने ये गज़ल को एक अलग ही पहचान देकर इसे मशहूर कर दिया है। आज इस गज़ल को
हम आपके सामने सोल सिम्फनी की तरफ से पेश करने जा रहे हैं। और सोल सिम्फनी की तरफ से ये गज़ल हमारा ही एक नायाब हीरा पेश करने जा, जिनका नाम है सुचित्रा जी। जी, मैं सुचित्रा जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और इस बेहतरीन गज़ल को पेश करें। आज जाने की जिद न करो।
ईद के मौके पर आप सभी ने ईद मुबारक ये संगीत रजनी के नगमों का, सूफी गज़लों का, गानों का लुत्फ़ उठाया है। मैं आप सभी से और एक गुजारिश करना चाहूँगी कि COVID-19 की नियमावली का सख्त से सख्त पालन करें ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। मैं सोल सिम्फनी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये पायदान खड़ा किया ताकि हम आपसे रूबरू हो सके, इस ईद में खुशियाँ बांट सके। अब मैं शुक्रगुजार हूँ संदीप वगड़ जी की, जिन्होंने बेहद कम समय में इस पूरे संगीत सृजनी के नगमों का वीडियो एडिटिंग करके इस ईद मुबारक कार्यक्रम को, संगीत महफिल को YouTube पर अपलोड करने का जिम्मा बखूबी निभाया है। जीवन है संगीत सुरीला, हम सभी संगीतकार हैं, पर जिसके बोल धुन से मिल सके वही असली फनकार है। अब मैं सोल सिम्फनी और सुचित्रा जी की तरफ से हमारे उन सारे फनकार गीतकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनके बिना ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा था। उन्होंने इस बहुत ही तंग माहौल में भी अपनी पसंद और चाहत को लोगों तक पहुंचाने की चाह रखी। इस महफिल में आप जैसे फनकारों ने आज ईद के दिन चार चांद लगा दिए हैं। ये संगीत रजनी आप लोगों के बिना सच में अधूरी होती। आज के सारे गीतकारों का धन्यवाद कि उन्होंने इस महफिल में एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सोल सिम्फनी के साथ निभाते रहें। सोल सिम्फनी अलग अलग कार्यक्रमों और अपने नए अंदाज के साथ फिर से आप लोगों के साथ जुड़कर लोगों का मनोरंजन ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सोल सिम्फनी की तरफ से आप सभी को ईद की ढेरों खुशियाँ, ढेरों बधाइयाँ। अलविदा, अब फिर मिलते हैं किसी नए संगीत रजनी की संध्या में। ईद मुबारक।